स्टार्ट करेंगे बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं कुणाल जी दोस्तों गुडाइम सी आज के इस सेशन में मैं संजय साहू आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा दिन है आज चौहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं काफ़ी साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया हमें गुलाम बनाए रखा और आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कुर्बानी लगा इसमें बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे रहे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए और आखिर 15 अगस्त 2000 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और हम लोग आज आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ दोस्तों नाम संजय साहू मैं रांची का रहने वाला हूँ और पिछले साढ़े पाँच सालों से मैं आईएमसी एम बिजनेस को कर रहा हूँ इससे पहले काफ़ी लोगों को मेरा लाइफ स्टोरी पता है मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष किया बहुत बुरे दिन देखे बहुत बुरे हालात के दौर से मैं गुजरा और गरीबी में जीवन बिता लेकिन एक दिन वो था मेरा बचपन मेरा जवानी आज भी मैं जवान हूँ ऐसा तो नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ लेकिन ये पाँच सालों का जो सफ़र रहा आई का पूरा जो मेरा ज़िंदगी है वो एक डिग्री यू टर्न घुमा दिया मतलब कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था जो ज़िंदगी में जी रहा था जो समस्याएँ मैं फेस कर रहा था जो तकलीफ़ें मैं उठा रहा था आज वो दूर दूर तक मेरी ज़िंदगी में उसका नामों नहीं है आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार और बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ और इसका श्रेय जाता है आई कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यन भाटिया सर जिन्होंने इतना सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म बनाया और हम लोगों को दिया दोस्तों आज सिर्फ मेरी नहीं बहुत खुशी की बात है कि आज हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी आईएमसी से बदल रहा है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है और आप लोग भी आई में एक सपना ले आए हैं कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी को बदलना है मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है और अपने हर सपनों को पूरा करना है और दोस्तों वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करूंगा लेकिन अप्रैल के महीने से कंपनी ने तीन लेवल और बढ़ा दिया जिसमें कई लोग सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल उसमें से एक मैं हूँ और मैंने पिछले महीना सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट का तीसरा महीना कंप्लीट किया और इस कंपनी में मैं सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बन गया तो दोस्तों ये सब कुछ हुआ मेरे लवली टीम के वजह से उनके दिन रात के मेहनत के वजह से आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद के वजह से मेरे अपलाइन के आशीर्वाद और गाइडलाइन के वजह से मैं ये सब कुछ अचीव कर पाया हूँ और आज इतनी सारी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आई है दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी में 12 साल अखबार बेचता रहा बहुत सारा संघर्ष मैंने किया हर वो तकलीफ़ जो एक गरीब की ज़िंदगी में आता है वो सारा तकलीफ को मैंने महसूस किया ऐसे दिन मेरे पास थे कि मेरी बेटी का तबियत ख़राब था और मेरे पास पाँच सौ रुपये नहीं थे इलाज करने के लिए और मुझे अपना घर का सामान बेचना पड़ा वो दिन भी मैंने देखे और अखबार बेच के किसी तरह गुजारा चलाया और उसके बाद फिर मैं एयरसेल कंपनी में नौकरी करना चालू किया आठ हज़ार दो सौ अट्ठाईस का और आठ हज़ार का नौकरी मैंने ढाई साल किया उसके बाद मैं बोडाफोन ज्वाइन किया साढ़े तेरह हज़ार रुपये का मुझे वहाँ पे सैलरी मिलती थी और साढ़े तेरह हज़ार रुपये में मैं रांची में रहता था शहर में रहता था परिवार मेरा बड़ा था खर्चे ज़्यादा थे और उसे मेरा घर नहीं चल पाता था और धीरे 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 करके दोस्तों से और रिश्तेदार से थोड़ा थोड़ा कर्ज़ लेते हुए मेरे ऊपर ढाई लाख रुपये का कर्ज हो चुका था मैं शुक्रगुजार हूँ मैं नमन करता हूँ मैं अपने ग्रेट अप्लाइन मिस्टर मनोज सर का मनोज कुमार सिंह मुंगेर बिहार के रहने वाले हैं जिन्होंने मुझे आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म दिया और मैं ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक डिसीजन लेने का ताकत दिया और मैं एक डिसीजन ले पाया और आई बिज़नेस को मैं ज्वाइन किया दोस्तों आई जब मैं ज्वाइन किया तो इस बिज़नेस को करने के बहुत सारे कारण थे इस बिज़नेस को नहीं करने के मेरे पास बहुत सारे कारण थे बहुत सारे बहाने थे मेरे पास एक्चुअल में क्योंकि जब ये बिजनेस मुझे सर दिखाए थे वो खुद गोल्ड स्टार पे थे उन्हीं उनको उन्नीस हज़ार रुपये का पे आउट आया था उस महीने में और वो जब रांची आए थे एक छोटे होटल के एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे मैं वहाँ पे गया था उनसे जब मिला उन्होंने मुझे और मेरे साथ कई लोगों को प्लान जब दिखाया तो उनको देख के कोई भी ऐसा कारण नहीं था जि, जिसके वजह से मुझे मोटिवेशन आता क्योंकि वो बहुत साधारण थे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके पास नहीं था बहुत साधारण कपड़े पहने हुए थे और उस तरह का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था कुछ दिखाने के लिए उनके पास कोई घर गाड़ी या जो भी होता है अचीवमेंट उनके लाइफ में कुछ भी नहीं था वो सिंपल सा बिजनेस दिखा रहे थे कि संजय जी ये बिज़नेस है आई एम सी जिसको मैंने पिछले दो तीन महीने से मैं कर रहा हूँ और इसको करते हुए आज मैं उन्नीस हज़ार का पे आउट में पहुँचा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अप्लाइंट हैं और कंपनी में टॉप लीडर हैं जो आज महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं बस सिंपल सा उन्होंने प्लान दिखाया था लेकिन दोस्तों मुझे जब मुझे ये प्लान दिखाया गया ना तब मुझे पता था कि ये आई बिल्कुल झारखंड में नया है कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कर नहीं रहा है कुछ लोग कर भी रहे थे तो मुझे पता नहीं था पूरे आईएमसी का एक भी आउटलेट और एक भी टीडी पूरे झारखंड में नहीं था मैं उनसे पूछा कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा तो वो बोले कि अभी तो बेगूसराय और भागलपुर जैसे मतलब बिहार में कुछ जगह पे प्रोडक्ट सेंटर है टीडी आउटलेट है आपके झारखंड में नहीं है आपको खुलवाना पड़ेगा संजय जी मैं उनको बोल सकता था कि सर मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन पहले यहाँ एक दुकान खुलवा दीजिए एक आउटलेट खुलवा दीजिए फिर मैं काम चालू करता हूँ मैं उनको मना कर सकता था इस बात के लिए फिर यहाँ पे कोई ना ए नहीं था जिसको मैं दिखा सकता था लोगों को कि ये देखो ये दस हज़ार रुपया महीना कमा रहा है तब कंपनी में चालीस पचास प्रोडक्ट हुआ करते थे और वो प्रोडक्ट भी नहीं मिलते थे मेरे पास जब मनु सर आए थे तो उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कैटलॉग भी नहीं था एक प्रोडक्ट कैटलॉग और जेरोक्स करा के मुझे दे दिए सोचिए उस पोजिशन से इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया क्यों स्टार्ट किया क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के मेरे मेरे पास एक ही कारण था वो कारण क्या था कि मेरे ऊपर मेरे ऊपर ढाई लाख रुपए का कर, कर्ज हो चुका है मैं साधारण परिवार से हूँ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं कोई दूसरा काम करके लाखों रुपये महीना नहीं कमा सकता और साढ़े तेरह हज़ार रुपये की साढ़े तेरह हज़ार रुपये की नौकरी से मेरा घर बढ़िया से नहीं चल पा रहा है अगर मैं इस बिज़नेस को करूँ और लाखों को छोड़ दीजिए अगर मैं दस हज़ार रुपये भी महीना कमा लूँ तो दस हजार के हिसाब से अगले दो साल के अंदर मेरा ढाई लाख रुपये का कर्जा चुकता हो सकता है यह एक स्ट्रांग कारण था मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों जब तक आपके पास एक स्ट्रांग कारण नहीं होगा इस बिजनेस को करने के लिए तब तक आप सफल नहीं हो सकते आपको वह एक रीजन एक पर्पस, एक कारण आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी जिंदगी का कि इस बिजनेस को आप क्यों करेंगे क्योंकि आप सोचिए कि कोई आपका दोस्त आया आपको आईएमसी बता दिया आप उसका बात रखने के लिए अगर इस आईएमसी को ज्वाइन किए तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते आपके आ, अगल बगल में आपके आस पड़ोस में कुछ लोग आईएमसी में जुड़ गए बोल के आप भी जुड़ गए तो आप सफल नहीं हो सकते कुछ सफल व्यक्ति को देख के कि वो लोग इतने मर्सिडीज़ में घूम रहे बी में घूम रहे लाखों करोड़ों कमा रहे इसके लिए मैं आई में जुड़ जाता हूँ तब भी आप सफल नहीं हो सकते आपका कारण क्या है इस बिजनेस को करने का आप क्यों करना चाहते हैं आप क्यों करेंगे आप क्या हासिल करना चाहते हैं आप क्या पाना चाहते हैं इस बिजनेस से कौन सी कौन कौन सा चीज़ ऐसा अचीव करेंगे अपने लाइफ में कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी या क्या तकलीफ है आज आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बाहर आना चाहते हैं अगर वो एक कारण आपके पास है ना तो ये हजारों बहाने उस कारण के सामने छोटा पड़ जाएंगे और इस बिज़नेस को जाके आप ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे ज्वाइन करना अलग बात है और बिजनेस को ज्वाइन करके उसमें समर्पित होकर काम करना अलग बात है दोस्तों ज्वाइन मेरे साथ भी बहुत सारे लोग किए थे लेकिन सारे लोग सफल नहीं हुए क्योंकि वो लोग उन लोगों के पास पहली बात तो वो कारण नहीं था इस बिजनेस को करने का और दूसरा वो समर्पण वो नहीं दिखा पाए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए इसके वजह से लोग सफल नहीं हो पाए तो दोस्तों आज मैंने एक डिसीजन लिया मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कारण थे इस बिज़नेस को करने के लिए और उस कारण के वजह से मैंने इस बिज़नेस को करना चालू किया और मैं आपको बता दूं मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन बहुत सारे नए मेरे दोस्त आज जुड़े होंगे मैं शॉर्ट में आपको बता दूं इस बिज़नेस को जब मैं ज्वाइन किया तो फर्स्ट मंथ मुझे एक हज़ार का चेक आया था एक रुपया किसी की ज़िंदगी में कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं दे सकता है एक हज़ार रुपया एक महीना काम करके अगर आता है तो कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं देता है लेकिन फिर भी आपको बिजनेस में टिकना होता है आपको खुद के अंदर एक बिलीव लाना पड़ता है और आपको लगातार निरंतरता कंसिस, कंसिस्टेंसी रख के इस बिज़नेस में आगे बढ़ना होता है और वही काम मैं किया जब एक हज़ार रुपया आया तो मुझे लगा कि चलो कोई बात यह शुरुआत है ऊपर वाला का मैंने आशीर्वाद समझा कि मैं कोई नया काम का शुरुआत किया और मुझे थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिला कुछ रिजल्ट मिला कुछ फल मिला मैं बहुत खुश हुआ और वहाँ से अपना सफ़र आगे बढ़ाया और मैंने एक चीज़ डि, डिसाइड कर लिया कि अगर हमारे एरिया में हमारे झारखंड में आउटलेट नहीं है तो मैं आउटलेट खुलाऊंगा एचिवर नहीं है तो मैं एचीवर बनूंगा और लोगों को एचीवर बनाऊंगा, अगर माहौल नहीं है तो माहौल मैं क्रिएट करूंगा, अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो मैं अवेलेबल कराऊंगा अगर यहाँ पे आ, आ, जो भी चीज़ का कमी है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे फुलफिल करूँगा लेकिन इस बिज़नेस में मुझे कामयाब होना है मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपने सपनों को पाना है अपने इस गरीबी वाली ज़िंदगी से बाहर आना है मैंने वो चीज़ चैलेंज में लिया और मैं जब लोगों को प्लान दिखाना चालू किया ना बहुत सारे लोग जुड़े मेरे साथ बहुत सारे लोग मना कर दिए मुझे बहुत सारे बोले कि संजय जी पहले आप अपना एक लाख का चेक दिखाइए फिर हमारे पास आइएगा ऐसे लोग थे और जब मेरे पास एक लाख रुपये हाँ थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत चल रहा है जब मेरे पास एक लाख रुपये का चेक नहीं था तब भी वो नहीं जुड़े और जब मुझे एक लाख रुपए का चेक आया तब भी नहीं जुड़े जब मुझे पांच लाख रुपए का चेक आया तब भी नहीं जुड़े आज बी आ गया बीस लाख रुपए का चेक आ रहा है तब भी वो नहीं जुड़े क्योंकि उनके अंदर वो रीज़न नहीं था उन वो पर्पस नहीं था वो कारण नहीं ढूंढ पाए इस बिजनेस को करने के लिए वो हल्के में इस बिजनेस को लिए और आज उनकी जिंदगी में काश है वो पछता रहे हैं कि यार मैं क्यों नहीं स्टार्ट किया और अब उनको लगता है कि मैं तो लेट हो गया लेकिन क्या अभी लेट हुआ है नहीं हुआ है मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा तो सोचिए कि एक हज़ार रुपया आया और मैं जब यहाँ पे आउटलेट नहीं था मैं कई लोगों से बात किया कई लोग मुझे बोले कि संजय जी आपकी जो कंपनी है ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है और चली जाती है बंद हो जाती है क्या गारंटी है कि मैं आपकी कंपनी में पैसा डालूंगा और आपकी कंपनी मुझे प्रोडक्ट भेज देगी और आपकी कंपनी चलेगी आप एक काम कराओ आपका कहाँ पे हेड ऑफिस है लुधियाना वहाँ का टिकट कराओ मैं आपकी कंपनी को देखना चाहता हूँ आपके ऑनर से मिलना चाहता हूँ आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनके साथ बैठना चाहता हूँ आपका फैक्ट्री देखना चाहता हूँ सब कुछ देखने के बाद अगर मुझे लगा तो मैं आपके कंपनी में एक लाख दस हज़ार रुपये लगा के आउटलेट खोलूँगा लोग मुझे ऐसे बोले मैं सोचा कि मैं आज तक कंपनी नहीं देखा मैं एम सर से नहीं मिला मैं लुधियाना नहीं गया मैं कुछ नहीं देखा और ये व्यक्ति को अगर दिखाना है तो दस बीस हज़ार रुपया खर्च है वो पैसा कहाँ से आएगा मैं तो ढाई लाख के खर्च में डूबा हुआ हूँ ऐसे लोग मुझे आए फिर मैं सोचा कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और दोस्तों मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई भी आउटलेट नहीं खोल रहा है तो पहला एग्जाम्पल मैं बनूंगा मैं पहला आउटलेट खोलूंगा पैसे नहीं थे मेरे पास मैं अपनी वाइफ से बात किया और वाइफ का टोटल ज्वेलरी उठा के मुथुत फाइनेंस में गिरवी रखा तिरपन हज़ार रुपये लोन उठाया और एक व्यक्ति है उनसे मैं पचास हज़ार रुपये इंटरेस्ट पर पैसा उठाया और कंपनी में पैसा डाल के पहला आउटलेट में यहाँ पर खोला दोस्तों यहाँ से आई का सफर चालू हुआ जब आउटलेट खुला तो मेरे टीम में कुछ लोग जुड़ गए तो उन लोगों के अंदर उत्साह आ गया और जब मेरे पास प्रोडक्ट आ गया तो वो प्रोडक्ट को लेके मैं फिर जब लोगों को प्लान दिखाने लगा साथ ही साथ प्रोडक्ट देना चालू कर दिया साथ ही साथ प्लान दिखाया प्रोडक्ट दिया तब तीन सौ बीबी से आई एक्टिवेट होता था मैं साथ ही साथ प्रोडक्ट देना चालू कर दिया लोगों का आई एक्टिवेट कराना चालू कर दिया और सेकंड मंथ में ही मैं इस कंपनी का गोल्ड स्टार बना पच्चीस आया पाँचवें महीना में रूबी बन गया दसवें महीना में चेयरमैन बन के का चेक लिया और ढाई साल में इस कंपनी का मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना सात लाख रुपया का प्याउट लिया और दोस्तों अभी साढ़े पांच साल हुए हैं पिछले दो तीन महीने से अभी जो मेरा प्याउट चल रहा है प्रेजेंट में आईमसी के माध्यम से वो बीस लाख से ऊपर का प्याउट चल रहा है एवरी मंथ सोचिए टोटल इनकम साढ़े पांच साल का छह करोड़ बीस लाख रुपया अभी तक मैं इस कंपनी से ले ले चुका हूं सोचिए कि पहला महीना मुझे एक हजार रुपया आया था तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे बीस लाख रुपया भी आ सकता है और आज बीस लाख रुपया आ रहा तो मुझे ये पता नहीं है कि एक दिन एक करोड़ भी आ सकता है जब आप काम करते रहते हैं पूरा विश्वास के साथ बिलीव के साथ सिस्टम को पकड़ के काम करते हैं अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत है उसको 100 परसेंट फॉलो करते हैं अपना रास्ता नहीं बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ता पर चलना चालू करते हैं तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे आपको भी पता नहीं चलता है और वो मेरे साथ हुआ है मेरे जैसे कई टॉप लीडर जो इस कंपनी के हैं क्राउन प्रेसिडेंट है उन सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है आज सारे जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं लाखों में कमा रहे हैं आज जितने चेयरमैन लाखों में कमा रहे हैं घूम रहे हैं आज आलिशान घर बनाए हुए हैं आज एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं यह जिंदगी आपका भी हो सकता है दोस्तों एक हजार रुपया आया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह साल एक हजार कितना बढ़ जाएगा और पहले ही साल अठारह लाख रुपया का टोटल इनकम हुआ था मेरा आई एमसी से दूसरा साल वो अट्ठारह लाख का इनकम बढ़ के दूसरा साल छप्पन लाख रुपया आया तीसरा साल छियानवे लाख रुपया आया चौथा साल एक करोड़ पच्चीस लाख रुपया आया और पाँचवा साल जो अभी मार्च में क्लोजिंग हुआ एक करोड़ उनासी लाख रुपया मुझे आई से मिला ये छठा साल मेरा चल रहा है जो रफ्तार अभी चल रहा है लगभग बीस लाख रुपया मुझे लग रहा है ढाई से तीन करोड़ के आसपास का इनकम बनेगा दोस्तों सोचिए पाँच साल में कैसी जिंदगी बदल जाती है लेकिन फिर बात आती है कि क्या हम सारे लोग अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं क्या सच में हम क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं क्या सच में आई में हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए और क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए ज्वाइन किए हैं या लोगों की बात रखने के लिए ज्वाइन किए ऐसा तो नहीं है कि हम अपने साथ धोखा दे रहे हैं कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ धोखा कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ धोखा कर रहे हैं अपने डाउनलाइन के साथ धोखा कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आज भी इस बिजनेस को हम ट्रायल मोड पर कर रहे हैं चलो करके देखते हैं क्या होता है दोस्तों ट्रायल मोड में अगर इस बिजनेस को करेंगे ना तो अपने से कुछ नहीं होता हर चीज इंसान को करना पड़ता है आप अगर चाहेंगे मुझे सिल्वर बनना है आप चाहेंगे मुझे रूबी बनना है आप चाहेंगे मुझे चेयरमैन और सीपी बनना है तभी आप बनेंगे अपने से तो नहीं बन सकते अपने से आप अप सुपर स्टार बन सकते हैं आपके अपलाइन के कृपा से आपके नीचे किसी को सुपर स्टार बना दिया तो आप ऑटोमेटिक सुप, सुपर स्टार बन जाएंगे लेकिन चेयरमैन नहीं बन सकते तो अगर आपको आप सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का सी बन सकता हूँ तो हंड्रेड परसेंट आप बन सकते हैं लेकिन अगर आप लग, आपको लगता है कि मैं इस कंपनी का सी नहीं बन सकता तो निश्चित रूप से आप सी नहीं बन, बन सकते अगर आपके अंदर खुद के अंदर बिलीव है सेल्फ बिलीव है अगर आपको विश्वास आता है अपने अंदर कि मैं यस अगर हजारों लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं मुझे भी भगवान बाकी लोगों की तरह बनाया मुझे भी एक दिमाग दिया मुझे भी सब कुछ दिया है मेरे लिए भी सिस्टम वही है और इतने लोग आज ऐसे ऐसे, 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 ऐसे एग्जाम्पल हैं अब कई सी ऐसे देखिए जो मैट्रिक तक नहीं पढ़े हैं कई सी ऐसे हैं जो आई में आए थे ज्वाइनिंग करने का प्रोडक्ट लेने का उनके पास पैसा नहीं था फील्ड में जाने का पैसा नहीं था आज सारे लोग करोड़पति बन गए अगर वो लोग उस स्थिति से निकल के वहां तक पहुंच सकते हैं उस ऊंचाई को छू सकते हैं तो हम में से सारे लोग उस अचीवमेंट को ले सकते हैं उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं लेकिन बात आती है कि क्या आज भी हम ट्रायल मोड में हैं कि चलो दो महीना करके देख लेते हैं तीन महीना करके देख लेते छह महीना करके देख लेते कुछ हुआ तो हुआ नहीं ट्रायल मोड में अगर इस बिजनेस को करेंगे ना कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते आपको समर्पित होना पड़ेगा आपको जीतने के लिए काम करना पड़ेगा आपको अचीवमेंट के लिए काम करना पड़ेगा यस अगर मैंने आई में अपना ज्वाइनिंग डाला है तो फिर मैं चेयरमैन बन के दिखाऊंगा मैं अगले एक साल में एक लाख रुपए की इनकम में पहुंच के दिखाऊंगा मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा मुझे इस कंपनी के माध्यम से बाकी लोगों की तरह अपना खुद का कार लेना है खुद का आलिशान घर बनाना है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है ये एक सपना ये एक सोच ये एक ड्रीम ये एक चाहत और ये एक डिजायर आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है ट्रायल मोड से आपको बाहर निकलना पड़ेगा समर्पित होना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ काम करिए जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा तभी जाके आप इसमें सफल हो सकते हैं देखिए आपका लेवल आपका अचीवमेंट और आपका इनकम उसी हद तक बढ़ता है ना जिस हद तक आप अपने आप को डेवलप करते हैं जिस हद तक आप आप अपने को बढ़ाते हैं जिस दिन आप आप अपने को डेवलप करना चालू कर देंगे जिस दिन आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चालू कर देंगे जिस दिन अपने स्किल को बढ़ाना चालू कर देंगे जिस दिन अपने बोलते हैं ना कुल्हाड़ी पे धार लगाना चालू कर देंगे ना उस दिन आपका लेवल और अचीवमेंट बढ़ता चला जाएगा अगर इस बिजनेस में आपका छह महीना हो गया एक साल हो गया दो साल हो गया और आज भी अगर वहीं पे आप बैठे हुए हैं आज भी आपको उतना ही चीज पता है आज भी आपका काम करने का वही स्टाइल है जो आज से एक साल पहले था तो फिर बहुत बड़ा ग्रोथ आपको बिजनेस में नहीं मिलने वाला है फिर बहुत जल्दी आपको सफलता नहीं मिलने वाला है आपको क्या करना होगा कि टाइम टू टाइम अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा हर दिन अपने आप को पूछना है रात को कि आज मैंने कल से अपने आप को बेहतर क्या किया क्या बेहतर बनाया क्या नया नॉलेज लिया क्या आज नया काम किया क्या आज नया चीज़ सीखा आज मैंने क्या नया किया आज मैं कौन सा नया एक बढ़िया हैबिट अपने अंदर डेवलप किया आज मैं अपने टीम को किस तरह से अपने सपोर्ट में बढ़ोतरी किया हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा आपको कुछ ना कुछ पिछले दिन से बेहतर करना पड़ेगा बोलते हैं नॉलेज इज पावर हर ट्रेनर हर हर लीडर हर सक्सेसफुल व्यक्ति आपको एक ही बात बोलता है कि आप ट्रेनिंग में आइए आप मीटिंग में आइए अपने नॉलेज को बढ़ाइए लेकिन कई लोग बोलते हैं अरे सब सीपी आता वही बात करता है सब ट्रेनिंग में वही बात बताया जाता है वही चीज होता है मैं मानता हूं हो सकता फिफ्टी परसेंट बात आपको वही मिले जो आपको पता है हो सकता है आपको नाइन्टी परसेंट भी बात वही मिले लेकिन दस परसेंट तो नया मिलेगा अगर एक आप मीटिंग में चले जाते हैं एक ट्रेनिंग में चले जाते हैं एक सक्सेसफुल लीडर को सुन लेते हैं तो पता नहीं उसके अंदर से कौन सा एक ऐसा बात निकलेगा जो आपके दिल को छूएगा और वो आप वो एक बात आपका एक रीज़न बनेगा इस बिजनेस को करने के लिए और वही एक बात पकड़ के आप इसमें कितना बड़ा सक्सेस पा जाएंगे वो आपको ही पता नहीं वो आपको भी समझ में नहीं आएगा तो आपको हर ट्रेनिंग मीटिंग में आके और अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा और अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और जैसा परिणाम चाहते हैं ना वैसा आपको प्रयास करना पड़ेगा आपको एफर्ट देखना पड़ेगा आज अगर एक साल इस बिजनेस में हो गया आप जहां पे हैं तो आप ये मत सोचें कि मैं एक साल से हूं सर मैं तो रूबी पे सॉरी मैं तो सिल्वर पे अटका हूं मैं तो सिल्वर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं तो पिछले एक साल में आपका प्रयास क्या था क्या उस पर, प, प, प्रयास में आप बढ़ोतरी ला रहे हैं क्या उस प्रयास में आप तेजी ला रहे हैं क्या उस प्रयास को आप बढ़ा रहे हैं एफर्ट को बढ़ा रहे हैं क्या आप समय को बढ़ा रहे हैं क्या आप पार्ट टाइम से फुल टाइम में जा रहे हैं इस बिजनेस को आपको पार्ट टाइम में आप भले ही स्टार्ट करिए लेकिन ज्यादा दिन तक अगर पार्ट टाइम में है तो आप सी कैसे बनेंगे अगर मान लेते हैं कि आप बीस हजार रुपया कमा रहे हैं नौकरी से या बिजनेस से या कहीं से भी और उस बीस हजार रुपये से आपका घर चलता है बहुत बढ़िया बात है और आप उस बिजनेस को या उस नौकरी को करते हुए आईएमसी बिजनेस का चुनाव कर लिए हैं और आपने एक डिसीजन लिया आपने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को दो घंटा हर दिन दूंगा अब ये दो घंटा अगर आप छः महीने से दे रहे साल भर से दे रहे हैं और ये दो घंटा को अगर नहीं बढ़ा रहे तो फिर रिजल्ट फास्ट नहीं होगा तो आप आप ना एक चैलेंज लीजिए आप एक कसम खाइए आप एक चीज़ ठान लीजिए कि मैं जो बीस हजार रुपया कमा रहा हूँ और मेरा घर चल रहा है अगले छः महीना पार्ट टाइम को ही मैं ऐसा फुल टाइम के जैसा करूँ मैं इतना दो घंटा ही मैं इस बिज़नेस को दे रहा हूँ लेकिन दो घंटा इतना समर्पित होकर दूँ इतना ज़बरदस्त तरीके से दूँ कि अगले छः महीने के अंदर मुझे आई बिजनेस का रूबी बन या गोल्ड बन या इस लेवल पर जाके मुझे बीस रुपया कमाना है और वो जो छोटा मोटा मैं काम कर रहा हूं उसको लात मार के और यहां का बीस हजार को बीस लाख में बदलना है ये चैलेंज लेके आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त एक बात समझिए नौकरी का बीस हजार शायद बीस लाख में जिंदगी में नहीं बदल सकता है छोटा मोटा पाँच दस लाख का पूंजी लगा के जिस दुकान को लोग कर रहे हैं शायद वहाँ अगर बीस हज़ार रुपया कमा रहे वो वो हो सकता है बीस लाख में ना बदले लेकिन आई में बहुत सारे लोग प्रूफ कर चुके हैं हम जैसे लोग बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ का बीस रुपया यहाँ का दो हज़ार रुपया यहाँ का बीस हजार रुपया बीस लाख में भी बदलता है एक हज़ार रुपया था मेरा पहले महीना का प्याउट बीस लाख रुपया आज ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ बदलता है बीस लाख में यहाँ पे वो संभावना है बाकी जगह तो संभावना नहीं है तो आप सोचिए कि जहाँ पे बीस हजार रुपया कमा रहे हो वहाँ पे हम पूरा फुल टाइम में काम कर रहे हैं चौबीस घंटा समर्पित हैं दिन रात पेट में दर्द है घर में कोई बीमार है घर में कोई रिश्तेदार आ गया चाहे आई का मैच चल रहा है चाहे कुछ भी चल रहा है लेकिन नन स्टॉप उस नौकरी पर जा रहे हैं उस दुकान पर जा रहे हैं लेकिन जब आई की बात आती है तो हमारे पास बहाने आ जाते हैं कि सर आज तेज़ बारिश हो गई सर आज मेरे घर में रिलेटिव आ गए सर आज मेरा बच्चा बीमार हो गया सर आज थोड़ा तबियत मेरा ढीला था इसके लिए मैं आज फील्ड में नहीं गया या काम काम में नहीं गया तो आप सोचिए कि जहाँ पे आप 20 लाख रुपया कमा सकते हैं वो उसको सीरियसली लेना चाहिए या जहाँ पे बीस हज़ार रुपया कमा रहे हो वहाँ वहाँ पर सीरियसली लेना चाहिए हम बीस हजार हमारा मानसिकता ऐसा सेट हो गया कि बीस हजार के लिए अपने आप को झोंके हुए हैं लेकिन जहां से बीस लाख रुपए कमा सकते हैं उसको अभी भी हम कैजली ले रहे हैं अभी हम अभी भी हम ट्रायल मोड में हैं अभी भी हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं अभी भी अपलाइन जब धक्का लगाता है तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर सफल कैसे होंगे मैं आपसे पूछता हूं कि आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या है आप किन बातों से मोटिवेट होते हैं कि संजय साहू जैसा कंपनी का कोई क्राउन प्रेसिडेंट आता है और आपको एकदम मोटिवेट कर देता है कि अगर दशरथ मांझी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं बिल गेट्स कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं अमिताभ बच्चन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं अरुण अरुणिमा सिन्हा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं इन बातों से मोटिवेट होते हैं विवेक बिंद्रा जैसे प्रोफेशनल मोटिवेटर आते हैं उनके उनके वीडियो को देख के आप मोटिवेट होते हैं सफल लोगों की बातों को सुन के मोटिवेट होते हैं अगर इन सब बातों ये अगर आपका मोटिवेशन का सोर्स है इन सब बातों से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं ना ये मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है मेरे दोस्त अगर मोटिवेट होना है ना तो आप देखिए कि आपकी जिंदगी कैसी है आपको अगर मोटिवेट होना है तो आप देखिए कि आपके बच्चों को आप कौन सा स्कूल में भेज रहे हैं आपके मां बाप को कौन सा जिंदगी आप दिए हुए हैं आपकी वाइफ कैसा जिंदगी जी रही है आपके पास कौन सी गाड़ी है कौन से घर में रह रहे हैं आप अपना अकाउंट नंबर चेक करिए अपना अकाउंट चेक करिए बैंक का पासबुक निकाल के देखिए उसमें बैलेंस कितना है आप ये देखिए कि अभी आपके आपके पास क्या क्या लाइबिलिटी है क्या इंश्योरेंस का पॉलिसी आप भर दिए अभी गैस का खर्चा आने वाला है बिजली का बिल भरने वाला है कई लोगों से आप कर्ज लिए क्या वो कर्ज आपका चुकता हो गया आप इन सब चीजों को देखिए अगर ये सब देख के कि अगर आपको मोटिवेशन आता है अगर इन सब चीजों से आपको बाहर आना है अगर ये आपका मोटिवेशन का सोर्स है ना तो ये मोटिवेशन आपका लाइफ टाइम रहेगा और यही मोटिवेशन आपको चेयरमैन और क्राउन प्रेसिडेंट और करोड़पति बना देगा मोटिवेशन लेना है तो अपने प्रेजेंट लाइफ से लीजिए आपके घर के हालातों से लीजिए आपका अकाउंट में अपने पिताजी का बनाया हुआ छोटा सा घर में रहता हूं मुझे खुद का घर बनाना है उसके लिए मुझे लाखों करोड़ों रुपया चाहिए वो कहां से आएगा इन सब बातों से अगर आप मोटिवेट होते ना अपलाइन आपको अपलाइन अगर आपको मोटिवेट करके आधा आद, घंटा बात करके मोटिवेट कर रहा है वो मोटिवेशन अपलाइन के धक्के से कोई सफल होता है क्या नहीं होता है आप जब अपने प्रयास में खुद धक्का लगाएंगे अपने अचीवमेंट के लिए खुद धक्का लगाएंगे तब जाके आप सफल हो सकते हैं यहां पे क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं करोड़पति बन सकते हैं और एक चीज जान लीजिए अगर सफल होना चाहते हैं ना तो सफलता कुर्बानी मांगती है कुर्बानी मांगती है सफलता ये देश ऐसी आजाद हो गया अब सोचिए महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे वकील थे विदेश में पढ़ाई किए अच्छे घर घराना से थे उन्होंने त्याग किया घर परिवार बीवी बच्चा सबका त्याग किया उन्होंने और एक लाठी निकाल के उठा के धोती पहन के नंगे बदन अंग्रेज को खदड़ने के लिए निकल गए उन्होंने एक आरामदायक जिंदगी का कुर्बानी दिया सुभाष चंद्र बोस वो भी काफी अमीर व्यक्ति थे घर सब कुछ त्याग दिए भगत सिंह घर छोड़ दिए फांसी का में सुखदेव राजगुरु कितना स्वतंत्रता सेनानी का हम लोग सब स्कूल में पढ़े हैं किताबों में पढ़े हैं अगर वो लोग कुर्बानी नहीं देते तो क्या हमारा देश आज़ाद होता आज भी हम शायद किसी अंग्रेज के घर पे नौकर होते हमारा देश आज भी गुलाम होता वो हजारों लोग वो लाखों लोग हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी कुर्बानी दिए जिसके वजह से उन्हें सफलता मिला और हमें ऐसा ज़िंदगी मिला हमें आजाद भारत मिला और आज़ाद भारत में आज हम लोग सांस ले रहे हैं तो गरीबी वाली गुलामी से जो आपकी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में जो गरीबी वाली गुलामी इससे अगर हमें बाहर आना है ना तो हमें भी कुछ कुछ चीज़ों का कुर्बानी देना पड़ेगा किन चीज़ों का देना पड़ेगा कंफर्ट जोन सुबह में आठ बजे सोने का आदत है बहुत अच्छा लगता है कुर्बानी दीजिए चार दोस्तों के साथ गप लड़ाने में बहुत मजा आता है कुर्बानी दीजिए कोई एक इनविटेशन कार्ड दे दिया कोई एक बर्थडे का फोन कर दिया मेरे घर पे बर्थडे हो और आप बढ़िया बढ़िया खाने का मिलेगा सब काम धाम छोड़ के वहां पे पहुंच जाते कुर्बानी दीजिए टीवी देखने का मैच देखने का फिल्म देखने का कुर्बानी दीजिए ये जो चीज़ है ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है आपके समय को ख़राब कर रही है इन सब चीज़ों को आपको कुर्बानी देना पड़ेगा तभी जाके आप सफल होते हैं आप एक चीज़ जान लीजिए टीवी देखने वाला कभी टीवी में नहीं आता है जो दिन रात टीवी देखता वो कभी टीवी में नहीं आता जो टीवी नहीं देखता वही टीवी में आता है टीवी में आना है तो टीवी देख देखना छोड़ना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं मैं अपनी बात बता रहा हूं जब इस बिजनेस में आए ना मैं एक कसम खाया मैं हर वो काम जिसको करने से पैसा नहीं आता मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं इस कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाता मैंने ये कसम खाया था किसी का बर्थडे पे नहीं जाता था किसी के जीने में नहीं जाता था किसी के मरने पे नहीं जाता था कोई दोस्त यार को मैंने छोड़ दिया वो जो हमारे मेरा टाइम वेस्ट करता था मैं उस सारा काम करना बंद कर दिया मैं ये नहीं बोलता कि आप समाज को छोड़ दीजिए परिवार को छोड़ दीजिए सबको छोड़ दीजिए जहां पे आपके नहीं जाने से अगर रिलेशन खराब होता है वहां पे चले जाइए लेकिन जहां पे आपके आप आपके बदले आपका परिवार का कोई सदस्य आपके मम्मी आपके पापा आपकी वाइफ आपके भाई चले जाते और काम बन जाता है वहां पर अपना दो दिन खराब मत करिए वो दो दिन टीम को दीजिए टीम के प्रति समर्पित होने डाउन लाइन अपने लव लाइन अपने लवली टीम को आप सपोर्ट करिए उनके लिए प्लान करिए होम मीटिंग करिए उनको आगे बढ़ाइए इन सब चीजों से आपको कामयाबी मिलेगी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको पता है ना वो बाज वाला कहानी दो बाज थे एक राजा के और एक बाज उड़ता था दूसरा बाज नहीं उड़ता था उसने ढिंडोड़ा पिटाया कि भाई मेरा दूसरा बाज को जो उड़ा देगा उसको मैं इनाम दूंगा बहुत सारे लोग प्रयास किए एक व्यक्ति आया उसने दूसरा बाज को भी उड़ा दिया राजा ने पूछा कि भाई तू कैसे उड़ा दिया तो बोला कि महाराज मैंने कुछ नहीं किया ये दूसरा बाज जो आपका नहीं उड़ता था वो एक डाल पे बैठने का आदि हो गया था मैंने सिर्फ उस डाल को काट दिया अब वो डाल ही नहीं रहा तो उसका बैठने का आदत चला गया वो कंफर्ट जोन से बाहर चला गया और आपका दूसरा बाज भी आसमान में ऊंचाई भरना चालू कर दिया वो कंफर्ट जोन वाला डाल को काटना पड़ेगा जिन वजह से आप आईएमसी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो कारण जो रुकावट आपको आईएमसी में आगे बढ़ने से रोक रहा है ना वो डाल को आपको काटना पड़ेगा उसे बाहर आइए तभी आप आईएमसी रूपी आसमान में उड़ान भर सकते हैं यहां पे लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं अपना पहचान बना सकते हैं मान सम्मान बढ़ा सकते हैं रिकोगनाइज हो सकते हैं बढ़िया घर गाड़ी सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं वो डाल को आपको काटना पड़ेगा तो आप बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन आप अपने आप से मोटिवेट होइए अपने अंदर से मोटिवेशन लेके आइए अपने हालातों से मोटिवेट होइए कि आज मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ ऐसा ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए आई के सफल सिपी जैसा ज़िंदगी जी रहे मुझे वो ज़िंदगी चाहिए वो जैसा घर में रह रहे मुझे उससे भी आलिशान घर चाहिए वो जिस कार में चल रहे मुझसे मुझे उससे भी बड़ी कार लेना है मुझे भी अपने बच्चों के लिए अपनी वाइफ के लिए माँ बाप के लिए एक अच्छा ज़िंदगी एक शानदार जिंदगी उनके लिए लाना है इस बात से मोटिवेशन लेके और आप आईएमसी में आगे बढ़िए तभी जाके आप सफल हो सकते हैं और सफल होने के लिए हर एक दिन को महान बनाइए हतोत्साहित के साथ काम मत करिए निराशा के साथ काम मत करिए आप सुबह सुबह उठिए और उठने के बाद समय हो गया और उठने के बाद सुबह सुबह उठने के बाद ना आप एक दिन भर का एक टास्क तैयार कीजिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं अभी जो मैं करता था अगर आप भी करेंगे ना तो बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे सुबह उठते ही ना एक दिन भर का आप एक गोल बना लीजिए एक टास्क बना लीजिए सुबह पाँच बजे छः बजे जब भी आप उठते हैं एक डायरी लीजिए और दिन भर का एक टास्क लिखिए कि आज मैं इतना घंटा ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा और जितना घंटा आई एम करूँगा आज मैं पुराने इतने लोगों से मिलूँगा आज मैं आ, इतने लोगों को प्लान दूंगा आज मैं एक आउटलेट के लिए बात किया उस व्यक्ति से मिलने के लिए जाऊँगा आज मैं दो चार लोगों को परचेज कराऊंगा आज मैं एक ट्रेनिंग जूम पे ट्रेनिंग लूंगा या मीटिंग करूंगा मेरे अपलाइन का कोई ट्रेनिंग चल रहा है वहां पे मैं अपने पांच लोगों को बैठाऊंगा मैं क्या करूंगा आज पूरे दिन भर का एक रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा एक लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा एक गोल सेट करना पड़ेगा एक टास्क आपको लेना पड़ेगा कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है सुबह उठते ही आपको पता नहीं है कि आज मैं दिन भर क्या करूँगा आपको पता ही नहीं है और पूरा दिन सुबह उठते हैं सात बजे आठ बजे जब भी उठते हैं नाश्ता करते हैं फिर कुछ करते हैं करते करते दोपहर हो गया फिर उसी तरह से टाइम पास करते करते शाम हो गया शाम होते होते रात हो गया और खाना खा के सो गए पता ही नहीं चला आज दिन भर में किया क्या आज दिन हुआ किस लिए था वही मुझे पता नहीं हर एक दिन को यूज करिए हर एक दिन को आप इस्तेमाल करिए हर एक दिन को बेहतर बनाइए हर एक दिन में आप आउटपुट लीजिए रिजल्ट निकालिए हर एक दिन आप सुबह ही डिसाइड करिए कि आज दिन भर में क्या करने वाला हो वो काम करिए हतोत्साहित हाँ और निराशा वाला जिंदगी नहीं सुबह ही एनर्जेटिक हो जाए और जैसे आप लिस्ट बना लेते हैं गोल बना लेते हैं आप उस पेशेंस को आपको बढ़ाना है एफर्ट डेडिकेशन और पेशेंस जो एफर्ट जो प्रयास कर रहे हैं ना उस प्रयास को थोड़ा उस समर्पण को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं जिस जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए एफर्ट डेडिकेशन और पेशेंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट एक्ष्ट लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सिंपल सा बात है ही करेंगे तो उतना ही मिलेगा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा और आपके टीम में जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना ऐसा तो नहीं है कि आपके टीम में आप ही आपके आपके तैयार नहीं हो रहे किसी भी व्यक्ति को आप अपने टीम में अगर ज्वाइन कराते हैं मैं आपको बता दूं आप उस व्यक्ति के साथ का 90 दिन का एक गोल सेट करिए एक टारगेट बनाइए नब्बे दिन का कितना होम मीटिंग होगा वो कौन सा लेवल पे जाएगा कितने लोगों का प्लान शो होगा कितना एचीवर डुप्लीकेट उसके टीम में बनाना है सेल डिपेंडेंट लोगों को तैयार करना है एक्टिव लोगों को कितना निकालना है ऐसे नब्बे दिन का एक प्लानिंग उसके साथ बैठ के आपको करना पड़ेगा अक्सर हम लोग क्या करते हैं किसी को ज्वाइन कराते हैं और उसी के हाल में उसको छोड़ देते हैं कैसे वो अपने से सफल हो जाएगा कैसे लोगों को प्लान देना चालू कर देगा कैसे लोगों के सवाल को जवाब देगा कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेगा कैसे फॉलोअप करेगा कैसे लोगों को स्टार्टअप कराएगा क्या उसको कुछ पता है कुछ पता नहीं है आप उसको मोटिवेट कर देते आई एम करो चेयरमैन बनोगे सीपी बनोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी तुम करोड़पति बन जाओगे फॉरेन घूमने चले जाओगे ये हो जाएगा और वो पूरा उसके अंदर आप एनर्जी भर देते हैं पूरा मोटिवेट कर देते हैं और उसी मोटिवेशन पे वो इतना मोटिवेट हो जाता है कि बैग उठाता है आई का और सीधा अपने दोस्तों से मिलने मिलने निकल जाता है पड़ोसियों के पास चला जाता है रिश्तेदारों के पास चला जाता है सब सबसे जाके आई एम से बताना चालू कर देता है और इतने जोश में होता है बोलता है अरे भाई एक जबरदस्त कंपनी आया मेरा जिंदगी बदलने वाला है तुम भी ज्वाइन कर लो तुम भी करोड़पति बन जाओगे क्या उनकी बातों से वो व्यक्ति मोटिवेट होता है सामने वाला नहीं होता है बोलता है यार तुम किसके चक्कर में पड़ गए ये कौन सा तुम फालतू काम उठा लिया तुम्हारा तुलसी पी के कोई मर गया हिमालयन बेरी पी के मर गया किसको जवाब दोगे कोई केस कर दिया तेरे ऊपर तो ऐसी बहुत कंपनी आती है चली जाती है ये टोपी पहनाने वाला काम है लोग उसको इतना नेगेटिव बात करते इतना नेगेटिव बात करते हैं कि चार दिन के बाद फिर आपका फोन उठाना बंद कर देता है क्यों क्योंकि फील्ड में जाने से पहले हमने उसको गाइड नहीं किया हमने उसको सिखाया नहीं हमने उसको तैयार नहीं किया हमने उसको एजुकेशन नहीं दिया कि क्या सवाल आ सकते हैं लोग कैसा बात कर सकते हैं आपको प्लान कैसे दिखाना है उसका वाई कैसे क्लियर करना है उसको उसको क्लोज एंडेड सवाल कैसे पूछना है उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है उनके सवालों का जवाब कैसे देना है और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है उसका शुरुआत कैसे कराना है हमने कुछ भी नहीं बताया कुछ भी नहीं बताया और फील्ड पे डाल भेज दिया क्या लोग एक्टिव होंगे नहीं होंगे मैं तो लोगों को बोलता हूँ सर आप भी सफल होना चाहते हैं ना आपके टीम में पचास लोग हैं सौ लोग हैं पाँच लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें से दस बीस एक्टिव लोगों को सेलेक्ट करिए चेयरमैन बनने के लिए पाँच लोग चाहिए क्वांटिटी से क्वालिटी मिलता है हर लेग में 10-20, 10-20 दस 10, बीस लोगों को ज्वाइन करा दीजिए उसमें से एक दो, एक दो एक दो एक दो ऐसे करके लोगों को छाट लीजिए और उन्हीं लोगों को अपने जैसा बना दीजिए अपना दोस्त बना लीजिए हम सफर बना लीजिए रिलेशन स्ट्रांग कर लीजिए उसी के साथ बातचीत करना उसी से मिलना जुलना उसी के साथ मीटिंग करना उसी को प्लान सिखाना उसी को डेमो सिखाना उसी के साथ आगे बढ़ना सब कुछ उसी के साथ और ये जो आपका एक्टिव लिस्ट है ना ये धीरे 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 आपका बड़ा होना चाल, होना चाहिए अभी मान लेते हैं आपके टीम में पांच लोग हैं जो आपके जैसा हैं जो सेल डिपेंडेंट है जो खुद से बैग उठाते हैं और फील्ड में जाके काम करते हैं अब पांच लोग हैं तो आप इस महीना का टारगेट लीजिए कि इस महीना मैं नए पांच लोगों को उसी तरह बनाऊंगा उनको आप समय दीजिए उनको काम सिखाइए उनको उनका मुंह खुलवाइए वो तो जाके फील्ड में प्लान भी नहीं दे पाते वो तो आईएमसी भी नहीं बोल पाते उनके अंदर शर्म है झिझक है डर है ईगो है शंका है वो डर रहा है किसी से बात करने के लिए और संकोची मन से जाता है बात करने डर डर के जाके बात करता है क्या लोग उसके साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे तो जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं ना तब ज्वाइन कराइए जब तक आप पांच प्लान उसके साथ दिखा पाए जब तक आप उसके साथ पांच प्लान नहीं करते उसको फील्ड में अकेला मत भेजिए पांच प्लान आपको दिखाना पड़ेगा चाहे वन टू वन दिखाइए चाहे पांच होम मीटिंग में दिखाइए पांच लोगों के साथ उनके साथ पांच लोगों का प्लान शो करिए और पांच प्लान जब वो देखता है ना फिर उसको समझ में आता है कि मुझे क्या बात करना है मुझे कैसे आई दिखाना है मुझे कैसे डेमो दिखाना है लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं उसका जवाब कैसे देना है फील्ड फेल फाउंड क्या होता है बहुत सारे ट्रेनिंग में आपको बताया गया होगा इन सब चीज़ों को सिखा के उसको फील्ड में भेजिए तो तीन महीना अगर किसी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में टिका दिए तीन महीना अगर उसके साथ आप एक्टिविटी चालू कर दिए तीन महीना उसके साथ फील्ड पे चले गए और तीन महीना में एक छोटा मोटा अचीवमेंट उसको दिला दिए ना वो व्यक्ति तीस साल अगला तीस साल आपको छोड़ने वाला नहीं है आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे लेकिन वो बिज़नेस का एक बार विजन क्लियर हो गया एक बार काम करने आ गया एक बार उसका रीज़न उसको पता चल गया वाई क्लियर हो गया उसको एक मोटिवेशन मिल गया उसको एक पता चल गया कि मैं इस बिजनेस में कहाँ तक पहुँच सकता हूँ वो फिर वो आपके इंतजार में नहीं बैठेगा वो इतना बड़ा इतिहास बना देगा वो इतना बड़ा काम करके दिखा देगा हो सकता है कि आपके टीम में आपसे पहले ओ सीपी बन जाए लेकिन ये आपको करना पड़ेगा हम क्या करते हैं जोड़ते और छोड़ देते हैं नहीं जोड़ने के बाद पकड़ना है छोड़ना नहीं है सफल होने के लिए पकड़ना है तो जब आप फील्ड में जाते हैं ना लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी दिल का सुनिए आप अपनी दिल का सुनिए आपका दिल क्या बोलता है आपका दिल बोलता है कि आपके पास बी होना चाहिए आपका दिल बोलता है आपके पास एक आलिसान घर होना चाहिए आपका दिल बोलता है कि आपको सफल होना चाहिए इस जिंदगी में करोड़पति बनना चाहिए अगर आपका दिल बोलता है ना तो दुनिया को मारिए गोली कुछ मत सुनिए बहरा बन जाइए मत सुनिए कुछ भी मत सुनिए अपने दिल का सुनिए अपलाइन का सुनिए सिस्टम को फॉलो करिए और दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए आई एम सिंह हंड्रेड परसेंट आप सफल हो सकते हैं दोस्तों आज सोचिए इस लॉकडाउन में बड़े बड़े उद्योग हालत ख़राब हो गया छोटे मोटे जो हमारे शहर के दुकानदार सारा दुकान खुला हुआ है कस्टमर नहीं है रेंट निकालना मुश्किल हो गया कितने लोगों की नौकरी चला गया कितने लोगों का सैलरी आधा हो गया कितने लोगों का फ्यूचर का पता नहीं है लोग निरा निराश हैं हताश हैं अपने लाइफ में प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं ये कोरोना और लॉकडाउन लोग में लोगों का इतना बुरा हालत हो गया और वहीं पे अब देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री आज आई बिजनेस मैं बता दूं पूरे कंपनी का दो गुना ढाई गुना सेल बढ़ गया हमारा दो गुना ढाई गुना सेल बढ़ गया आप लोगों का सेल बढ़ गया लेबल बढ़ गया मैं बता रहा हूं पांच साल में मेरे टीम में पैंतीस चेयरमैन बने थे और ये लॉकडाउन के पांच महीना में एक सौ एक चेयरमैन बन गए क्या फास्ट बिजनेस हुआ आज सेल इतना ज्यादा बढ़ गया और मैं तो आई मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं तो थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आज ऐसे संकट में जब हर लोगों को पता है कि अपने इम्यूनिटी को हमें मजबूत करना है क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं कोई वैक्सीन नहीं है और आज सोचिए श्री तुलसी श्री हल्दी ह्यूमन ट्वेंटी एक्स टैबलेट संजीवनी जूस हिमालयन बेरी जैसा प्रोडक्ट चवन गोल्ड जैसा प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इतना शानदार प्रोडक्ट में नहीं है इतना शानदार शानदार प्रोडक्ट आज हमारे पास कंपनी ने हमें अवेलेबल करा दिया है इस लॉकडाउन में जहां पे बाकी कंपनी में प्रोडक्शन खत्म हो गया हमारी कंपनी में सेल डबल ट्रिपल चल रहा है उसके बाद कोई खास प्रोडक्ट का शॉर्टेज नहीं आ रहा हर प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो रहा है दो दिन आगे पीछे हो रहा है लेकिन सोचिए जहां पे ट्रांसपोर्ट का इतना दिक्कत लेबर का इतना दिक्कत हर चीज़ का इतना दिक्कत मैं तो कायल हो गया आई मैनेजमेंट का कि इतना बढ़िया सर्विस इतना जबरदस्त इतना सारा आउटलेट खुल रहा है पिछले महीने दस आउटलेट खुले हैं दस ऑटो मोड में खुल गया किसी को फोन करने का जरूरत नहीं पड़ा किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा इतना बढ़िया कंपनी के इंप्लॉय इतना बढ़िया मैनेजमेंट इतना बढ़िया सर्विस ऑटो मोड में सब कुछ चल रहा है तो आज सोचिए कि हमारे देश में दो सबसे बड़ी समस्या है एक बीमारी दूसरा बेरोजगारी आज बीमारी कोरोना के रूप में खड़ी है और उसका सोल्यूशन लेके हम खड़ा है कि भैया हमारे प्रोडक्ट से यमुनिटी मजबूत करो इम्यूनिटी मजबूत करोगे कोरोना तुमको छू नहीं पाएगा आज देखिए आईएमसी में इतने लाखों लोग काम कर रहे हैं लेकिन किसी को कोरोना नहीं हो रहा है कोई न्यूज तो मेरे पास है ही नहीं कि किसी को कोरोना हुआ क्यों क्योंकि हम लोग आई जैसा आई का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके रखें और दूसरा क्या है बेरोजगारी सोचिए मोदी जी बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आत्मनिर्भर तो बनो आत्मनिर्भर तो भारत बनाओ कैसे आत्मनिर्भर तो बनेगा नौकरी मांगने से आत्मनिर्भर तो बनने के लिए खुद का कुछ करना पड़ेगा खुद का बिजनेस खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगर खुद का बिजनेस करना है क्या हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं नहीं है और क्या बिजनेस में हर व्यक्ति सफल हो जाता है धीरू भाई अंबानी जब इस दुनिया में नहीं रहे उनका संपत्ति का दो पार्ट में बंटवारा हो गया आधा मिला मुकेश अंबानी जी को आधा मिला अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी कहां से कहां पहुंच गए और अनिल अंबानी अब देखिए दिवालिया के कगार पे है सोचिए एक स्टेबल बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस एक चलता हुआ बिजनेस कर लो दुनिया मुठ्ठी में रिलायंस मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में था आज किस आज वो ना लोगों बच्चों का ना खिलौना बन के रह गया आज वो कबाड़ी वाला आता है और कहीं घर में मिलता है तो हम उसको कबाड़ी में बेच देते हैं कोई यूज नहीं कर रहा है बिजनेस कहाँ चला गया उनका दिवालिया हो गए इतना आसान भी नहीं है तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है तो आई से बढ़िया प्लेटफॉर्म इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है जहाँ पे बिना पूंजी लगा के जहाँ पे बिना कोई कैपिटल लगा के बिना कोई ऑफिस खोल के बिना कोई एम्प्लॉय रख के बिना कोई ताम झाम का बिना कोई एक्सपीरियंस बिना कोई नॉलेज बिना कोई एजुकेशन यहाँ पे एक आम आदमी साधारण आदमी गरीब आदमी लाचार आदमी आता है और एक साल के अंदर चेयरमैन बन के एक लाख के इनकम में पहुँच जाता है पाँच साल में करोड़पति बन जाता है और वो रोड का आदमी बादशाह बन जाता है वो रोड का आदमी एक शानदार ज़िंदगी जीता है सेलिब्रिटी बन जाता है और वो रोड का आदमी से लोग सेल्फी खिंचाते हैं लोग उनको फूल माला पहनाते हैं उनका फ़ोटो अपने घर पर लगाते हैं फील्ड में निकलने से पहले उनके फ़ोटो के सामने आशीर्वाद लेते हैं लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं और हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं लाखों लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन का कारण बनते हैं लोग उनकी बातों से मोटिवेट होकर अपनी ज़िंदगी में खुशियां लेके आते हैं वो व्यक्ति बनता है और ऐसे लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर बन रहे हैं सोचिए <perfektionic> हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए हमें आईएमसी कंपनी के ऊपर प्राउड होना चाहिए इसके मैनेजमेंट के ऊपर प्राउड होना चाहिए यह सिस्टम के ऊपर प्राउड होना चाहिए और हमेशा ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म मेरी हमारी जिंदगी में दिया है अगर ये प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला होता अगर मैं अपनी बात करूं मुझे आई नहीं मिला होता साढ़े हजार का नौकरी कर रहा था बीस पच्चीस हजार का कहीं नौकरी कर रहा होता यह बीस लाख रुपया नहीं आ रहा होता और शायद इस लॉकडाउन में वो नौकरी भी मेरा चला गया होता लेकिन आज सोचिए अपने घर पे बैठ के आराम से जूम के ऊपर मीटिंग करके क्राउन प्रेसिडेंट से सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बन गया अपने इनकम को बढ़ा के बीस लाख से ऊपर ले गया आज मेरी टीम में इतने सारे लोग पूरे आईएमसी में इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और सुकून से अपने परिवार के साथ रह के इस लॉकडाउन में महीने का लाखों रुपया आ रहा है क्या चाहिए जिंदगी में लोगों को अगर ये सब कुछ आपको भी चाहिए मेरे दोस्त तो जिंदगी भर तकलीफ उठाने से बढ़िया है कि एक दो साल आईएमसी में तकलीफ उठा लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है एक दो साल आईएमसी में तकलीफ उठा लिया जाए एक दो साल कंफर्ट जोन को छोड़ दिया जाए एक दो साल अपने आरामदायक जिंदगी का कुर्बानी दे दिया जाए एक बार अपने लाज शर्म ईगो हया को छोड़ दिया जाए और जैसे सारे लोग आईएमसी का बैग लेके आईएमसी का प्रोडक्ट लेके आईएमसी का प्रोडक्ट ले किट लेके आईएमसी का डेमो किट लेके और लोगों को जैसा प्लान दिखा रहे हैं लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं ये काम करना चालू कर दीजिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये सारा काम करना चालू कर दिए पाँच साल आई का नाम कर दीजिए पाँच साल के बाद आने वाला सात पीढ़ी बैठ के खाएगा उनकी ज़िंदगी में गरीबी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा वो अमीर हो जाएंगे और उनका लाइफ सेट हो जाएगा सिर्फ अपना नहीं आने वाला सात पीढ़ी मैं ये बात बोलता हूँ तो दोस्तों जो सीखेगा वो टिकेगा और जो टिकेगा वही जीतेगा टिकना जरूरी है पांच साल टिक जाइए बिजनेस में लाइफ में अप एंड डाउन बहुत चलेगा लाइफ में अप एंड डाउन बहुत चलेगा बिजनेस कभी अच्छा जाएगा कभी डाउन जाएगा कभी लेवल निकल जाएगा कभी नहीं मेंटेन होगा ये बिजनेस का पार्ट है ये चलता रहेगा हमारे साथ भी हुआ लेकिन इन एंड ऑफ द डे पांच साल के अंदर इस कंपनी का आप क्राउन प्रेसिडेंट रहेंगे साल के अंदर आपका लाखों में इनकम होगा साल के बाद आपके पास बीएमडब्ल्यू मरसिटी जैसा गाड़ी होगा आलिसान करोड़ों का घर होगा मान सम्मान होगा लाखों का टीम होगा देश विदेश घूमने जाएंगे परिवार में खुशियां होगा आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और अपने दिल में एक सुकून होगा कि यस मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया मैंने लोगों के लिए कुछ किया मैं गरीब तो पैदा लिया लेकिन गरीब नहीं मरूंगा मैं हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में खुशियां देके हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल के आने वाली पीढ़ी का लाइफ सेट करके मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो दोस्तों बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ बात करने में और इसी लॉकडाउन में मैं सिस्टम से काम किया क्राउन सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बना आप भी अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं आप भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं आप भी हर वो चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो सबको पूरा कर सकते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या चाहते हैं अगर वो चीज़ आपको पता चल गया वो सारा कुछ आईएमसी से पूरा हो जाएगा तो आप भी जिंदगी में सफल हों जिंदगी में खुशियाँ लाएँ अपने सारे सपनों को पूरा करें लाखों लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाएँ खुशियाँ लाएँ और हर वो चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो आप अचीव करें कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बने खूब सफल हों इसी विश के साथ इसी प्रार्थना के साथ मैं आज यहीं पे अपनी बातों को रोकता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना समय निकालें मुझे सुने इतना पेशेंस फुलें मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का थैंक यू फिर मिलूँगा तब तक के लिए गुड एम सी